जा रहा है जबकि स्क्रीन पे सिर्फ मुझे और आप देखेंगे, बहुत सारे रिपोर्टर्स भी नीचे ऑडिटोरियम में बिल्कुल तैयार हैं, वो भी आपको अपडेट करेंगे कि आज का दिन कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा। रुबा हमारे साथ मौजूद होंगी और जुबैर मौजूद होंगे, तो कहाँ पे है मरु जी? रुबा और जुबैर मौजूद है स्टूडियोज में और गुफ्तगु करेंगे अपने कलीग्स के साथ और उनके तासुरात जानेंगे। ओवर टू यू रुबा और जुबैर। शुक्रिया उसामा और सोहा। सबसे पहले जो है आपको भी लाहौर रंग की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि मैं इस मौजूद हूं अपने स्टूडियो में जो हमारा ऑडिटोरियम है, और स्टूडियो में मौजूद थे हमारे सोहा और उसामा, और उसके साथ साथ तमाम कौम को लाहौर रंग की पहली सालगिरह मुबारक हो। मैं हूँ अपना आपका मेज़बान जुबैर साजिद ढिल्लों लाहौर रंग की जो पहली ट्रांसमिशन चल रही है खुसूसी पहली सालगिरह के मौके पर, और मेरे साथी जो मेज़बान हैं वो हैं रुबा अरूज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जुबैर, और तमाम देखने वालों को लाहौर रंग की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं एक साल की कामयाबियाँ सेलिब्रेट करने के लिए, और हमारे साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं जिनके बिना पर लाहौर रंग आज आपके सामने है, और लाहौर रंग को लाहौर रंग बनाने में जो कामयाबी है और जो रोल प्ले किया है वो हमारे तमाम रिपोर्टर्स हैं जो कि बैकबोन है हमारे मीडिया ग्रुप का। इंट्रोड्यूस कराती चलूँगी, हमारे साथ जो है वो ब्यूरो चीफ अयाज शुजा साहब मौजूद हैं, हेल्थ रिपोर्टर मोहसिन अलवी मौजूद, और अगर हम दूसरी साइड जाएं तो आसिफ मुसव्वर साहब मौजूद हैं, बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, ब्यूरोक्रेसी को कवर करते हैं, और डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद हेल्थ में एक्सपर्ट हैं और बड़ी खूबसूरती से हमारा लाहौर ब्यूरो भी चला रहे हैं। तो ओवर टू यू जुबैर, बहुत मुबारक हो, बड़ा जबरदस्त जो है वो हमारा एक साल गुजरा, बहुत सी खूबसूरत यादें हैं, लाहौरियों के साथ यादें हैं, हमारी टीम फेलोज के साथ यादें हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए रुबा, बड़ी खूबसूरत बात यह है कि लाहौर वो चैनल है जिसने लाहौर की एक एक गली, एक एक सड़क, एक एक घर, एक एक चाहे कोई गरीब है कोई अमीर है उसमें कोई फर्क नहीं रखा, हर शख्स की आवाज जो है आवाम तक पहुंचाई है, चाहे वो खुशी का मौका है चाहे वो गमी का मौका है, कोई भी सेलिब्रेशन है किसी किस्म की, हर किसी की आवाज जो है स्क्रीन तक पहुंचाई है। तो यही लाहौर की काविश थी, एक साल मुकम्मल हो गया है लाहौर को, और इस खूबसूरती के साथ जो है तमाम रिपोर्टर्स का जाल था पूरे लाहौर में, जो हर रिपोर्टर अपनी अपनी बीट के हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अपने ब्यूरो जी अय्याज शुजा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर कैसा रहा एक्सपीरियंस, इन शॉर्ट में बताइएगा कि एक साल गुजर गया और पता भी नहीं चला। जुबैर, जब ये लाहौर रंग शुरू हुआ तो हमारे चेयरमैन चौधरी रहमान साहब ने हमें बताया कि इसका नाम लाहौर रंग रखने की वजह क्या थी। वो बुनियाद तौर पर उस्ताद हैं तो हर चीज़ वो चाहते हैं कि अपने कोऑर्डिनेट्स अपनी टीम है उनको सिखाएं बताएं। लाहौर रंग इसका नाम रखने की बुनियादी वजह से कोई नाम भी रखा जा सकता था, लेकिन लाहौर रंग रखने का उन्होंने बताया ये वजह है कि इसमें लाहौर के सारे रंग नज़र आ सकें। मैं पंजाब के तकरीबन जितने भी हमारे बड़े शहर हैं उन सब में घूम चुका हूँ, इस मुल्क के भी तमाम बड़े शहरों में घूम चुका हूँ, लेकिन जो लाहौर का रंग और फ्लेवर है वो सारे शहर हमारे अपने हैं, लेकिन जो लाहौर वो जो हम पंजाबी में कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं, तो ये लाहौर रंग जो उन्होंने बताया कि इसमें लाहौर के रंग नज़र आने चाहिए, तो हमने एक साल बड़ी कोशिश की कि इसमें लाहौर के रंग नज़र आए। उसमें कुछ तीखे रंग भी थे, उसमें कुछ फीके रंग भी थे, उसमें कुछ बड़े अच्छे कलर के बिल्कुल खूबसूरत रंग भी थे। अगर माल रोड पे धरना है तो हमने दिखाया लाहौरियों को, बिल्कुल हमारे साथ बैठे हुए हैं या कोई और हमारी कम्युनिटी बैठी हुई है तो हम लोगों को दिखाया। अगर जश्न बहारा सेलिब्रेट किया जा रहा है तो वो भी हमने लोगों को दिखाया कि देखिए किनाल रोड पे आए जश्न बहारा को देखें किस तरह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, या जिलानी पार्क में आए PHA और जिला इंतजामिया किस तरह इसको सेलिब्रेट कर रही है। इसी तरह अगर कोई हुकूमत की कोताहियाँ थी वो भी हम सामने लेके आए कि अगर आपने वादे किए हैं नया पाकिस्तान बनाने के तो वो पूरे करें, हम तो इन वादों का पीछा करना नहीं छोड़ेंगे, आवाम ने आपको वोट दिया है। इस तरह अगर अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद करती है हमने वो भी उनका पूरा पैगाम उन तक पहुँचाने की कोशिश की। गर्ज के हमारी कोशिश थी कि लाहौर का कोई ऐसा कलर या फ्लेवर वो आवाम को वो देखने से महरूम ना रह जाए। इससे पहले चैनल हमेशा उन लोगों की यानी आवाज़ थे, उन लोगों की तस्वीर अपनी स्क्रीन पर लाते थे जो मैटर करते हैं इस सोसाइटी में, वो ताजर रहनुमा हैं, वो सियासतदान हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब लोग ये हैव्स हैं। लाहौर रंग ने कोशिश की हैव्स नॉट, आम आवाम की आवाज़ को भी सामने लाया जाए, वो क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके क्या ख्यालात हैं, ये हमारा बुनियादी एक था कि किसी तरीके से वो आवाज़ हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। अब इसमें हम किस हद तक कामयाब हुए हैं, एक साल हुआ है मेरा, हम तो अपने लिहाज से बड़े मुतमईन हैं, लेकिन सफ़र तो ख़त्म नहीं होता क्योंकि रुकना मौत है, तो ये सफ़र जारी रहेगा और जो जो
एक साल में कमियां या कोताहियां रह गई हैं लाहौरियों की आवाज़ पहुंचाने में, वो हम कोशिश करेंगे कि अब जो दूसरा साल शुरू हुआ है उसमें कोशिश करें और वो तमाम उनकी आवाज़, वो तमाम मसाइल, अगर कहीं गंदा पानी खड़ा है तो हमारे रिपोर्टर, हत्ता कि हमारे एंकर भी उस गंदे पानी में, उस सीवरेज के गंदे। अच्छा बिल्कुल, आपने बतौर कप्तान जो है वो हमारी टीम को लीड किया और कप्तान का बड़ा अहम रोल होता है, हमारे साथ दिगर रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ और लोगों से आपकी बात कराते हैं। स्टे विद अस।